13 जून की रात सुशांत के पेंड्रा वाले घर में क्या हुआ था। वैसे तो सुशांत ने 14 जून की सुबह खुदकुशी की और पुलिस इस जांच में लगी है कि पता कर सके 13 जून से 14 जून की रात तक हुआ क्या था। अब तक जो जानकारियां सुशांत के बारे में सामने आई हैं वो कई सवाल भी खड़े करती हैं। पहला सवाल, सुशांत के मामा ने खुदकुशी पर उठाया बड़ा सवाल। जी हाँ, सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल, सुशांत के मामा ने कहा उनका भांजा खुदकुशी नहीं कर सकता और उनका कहना है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है। और सुशांत के मामा ने उनकी खुदकुशी की ज्यूडिशियल इन्वेस्टिगेशन की मांग की है, लेकिन ऐसी कई और बातें हैं जो सुशांत की खुदकुशी पर कई और बड़े सवाल खड़े करते हैं। जैसे 13 जून की रात कुछ दोस्त सुशांत के साथ थे। अब तक की आई हुई जानकारी के साथ यही पता चला है कि 13 जून की रात सुशांत अपने कुछ दोस्तों के साथ थे जो उनको डिप्रेशन से जूझने में मदद कर रहे थे। लेकिन रात को जब ये दोस्त चले गए तो सुशांत ने खुद को अपने बेडरूम में कैद कर लिया। उनके साथ रहने वाले उनके नौकरों और सहयोगियों को ये लगा कि वो सोने चले गए। और इसी बीच जो सुशांत की कॉल रिकॉर्ड सामने आई हैं उनसे ये साबित होता है कि उन्होंने देर रात किसी एक्टर को कॉल की थी। सुशांत ने किस एक्टर को कॉल किया था अभी उसका नाम पब्लिक नहीं किया गया है। दूसरा सवाल, सुशांत की आखिरी इंस्टा पोस्ट पर भी सवाल। जी हाँ, सुशांत की आखिरी इंस्टा पोस्ट पर भी सवाल है जो कि उनकी माँ से जुड़े हुए हैं। यूं तो उनकी माँ का देहांत 18 साल पहले हो गया, लेकिन वो साफ जाहिर है वो आज भी अपनी माँ को उतना ही मिस करते हैं और इस बात का पता अक्सर उनकी सोशल मीडिया पोस्ट से पता चलता है। और हाल ही में सुशांत ने अपनी एक बहन को भी खोया है। इसके अलावा सुशांत की पर्सनल लाइफ में भी पिछला एक हफ्ता बड़ी ऊटपटांग चीज़ों से भरा रहा। मिसाल के तौर पर उनके मैनेजर दिशा सानियाल ने 8 जून की रात साइड कर लिया। पुलिस अभी सुशांत के इर्द गिर्द गिरे कई सूत्रों को तलाश रही है, लेकिन एक खुश मिजाज, मिट्टी से जुड़ा और करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले ऐसे नौजवान स्टार को इस तरह खोना वाकई में दर्दनाक है।